कटिहार के सड़कों पर फर्राटेदार दौड़ा रही स्कूटी को ये कोई साधारण लड़की नहीं है, बल्कि बीकॉम में पढ़ने वाली 19 वर्षीय छात्रा है। इसने इतने कम उम्र में त्रिस्तरीय पंचायती राज में पैक्स अध्यक्ष का चुनाव जीतकर बिहार के सबसे कम उम्र की महिला पैक्स अध्यक्ष बनकर इतिहास रच दिया है। नारी सशक्तिकरण से प्रेरित होकर 19 वर्षीय साधना ने पैक्स अध्यक्ष पद पर जीत हासिल कर अब किसानों को किसानी का गुर सिखा रही है और अब सरकारी योजना का लाभ भी दिलाएगी। बीकॉम की छात्रा साधना किसानों के साथ लगाती है चौपाल और किसानों के हित में करती है समस्या का समाधान। आधी आबादी की जीत के लिए स्थानीय सांसद ने त्रिस्तरीय पंचायती राज में साधना को नारी सशक्तिकरण का परिणाम बताया गया है। वहीं मनिहारी अनुमंडल के बोलिया पंचायत में हमेशा कृषि क्षेत्र में रुचि लेने वाली इतनी कम उम्र की साधना के जीत पर महिलाओं ने डीजे के धुन पर साधना के संग खूब थिरक रही है। गांव के किसानों को कृषि क्षेत्र में पंचायत स्तर पर मिलने वाले लाभ को लेकर साधना से नई उम्मीद जगी है और किसान गदगद हैं। अपने पिता के राजनीतिक विरासत को किसान हित में संभालने के लिए साधना अपने पंचायत में जुट गई है। बिहार सरकार द्वारा नारी सशक्तिकरण से ही प्रेरित होकर मैं राजनीतिक में क्षेत्र में आई हूँ और मैं किसानों के लिए काम करना चाहती हूँ और सप्ताह में मैं मीटिंग भी रखूँगी। खेत खलिहान चौपाल जाकर मैं किसानों को समझाती भी हूँ कैसे कैसे खेत में पानी डालना है और कैसे कैसे कम पूंजी में ही अधिक से अधिक मुनाफा हो, और मैं पापा की बेटी नहीं बेटा बनकर काम करूंगी। और जैसे नारी सशक्तिकरण को लेकर मेरे उप मुख्यमंत्री रेणु देवी और किरण बेदी से मैं प्रेरित हूँ और आज मुझे गर्व है कि मैं इतनी छोटी उम्र में पैक्स अध्यक्ष बनी। परिचय पर मेरा नाम साधना कुमारी, पिताजी का नाम अशोक कुमार राय। नाजकूत बहुत उमंग साथ किए और इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि साधना कुमारी आगे चलकर हमारे बाहुबल रहेगी और हमें सहायता देती रहेगी। किसानों से लोन खाद बीज समय पर सब दिलाएगी कि साधना तुमको अध्यक्ष पद दिए हैं, हम सबों को समय पर सब चीज उपलब्ध होना चाहिए, हमको समय पर खाद मिलना चाहिए सरकार से। सरकार से मुझे जो फैसिलिटी है लोन मिलता है वह मैं खेती के लिए लोन लूंगा सरकार से। बिजली हमारे खेतों में पड़ा है उसे मुझे बिजली का सुविधा चाहिए। हम यही आशा लेकर साधना को भारी मतों से हम किसान ने विजय बनाए हैं और हमारा आशा पूरा होगा, मुझे बहुत विश्वास है। क्या सर जी समझ में आया ना आप लोग को? आप लोग अपना अपना विचार रखिएगा। मेरे पास मेरे पास 16 बीघा खेत है जी। और समय पर हमको खाद चाहिए। बताऊंगी बिल्कुल, हमारे खेत खलियान में बोरिंग नहीं है, दूर है। फूफा आप अपना बताइए, आपकी क्या समस्याएं हैं? कम नगद में जो है कि हमको मिलना चाहिए और कम अति में जो है कि देना चाहिए, उपज भी होना चाहिए। अनुभव लूंगी और अपना काम करूंगी। इससे पहले मेरे पापा पैक्स अध्यक्ष थे और पापा बहुत अच्छा काम किए हैं। कि क्या समस्याएं हैं मैं नोट करना चाहती हूँ, तो मैं नोट करूंगी। और सुनने अपना विचार रखिया बताइए राशनी का कैसा कम लागत में खेती कर ले जाए छे और कम से कम जमीन में अधिक से अधिक फसल कैसे उगाना छे। जो भी ऐसा कोई चेयर जरूरी पड़ते है तो तोरा ना नहीं वो ठीक कोई चेयर भी जैसे खादे लगते ठीक समझम अल कैसे कैसे खेती करना छे कम लागत में कैसे अधिक से अधिक फसल उगाना छे। जो भी समस्या है अपना अपना समझम अल त्रश्नी का और जो भी सरकार द्वारा अतन हम त्रश्नी तक पहुँचेबन जो भी जैसे खाद अतन।